Hello students, this is question number 3 of 1.3 exercise of class 9th. Third question says that express the following in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. Okay, so first part kya hai? 0.6 bar ko hume in the form of p by q represent karna hai. तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर गिवन होता है 0.6 बार इसको हम लेट कर लेते हैं, दिस नंबर इज इक्वल टू x. ओके, 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6 मतलब 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन. ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1. ओके, जितने भी डिजिट के ऊपर बार होता है, जैसे यहां पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. दो डिजिट के ऊपर बार होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. ऐसे ही चलते जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन फर्स्ट इक्वेशन. ओके, 10 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो क्या आ गया, 10x. 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो क्या आएगा, ये जो डॉट है, ये जो डेसिमल है वो कहां पे आ जाएगा, इस 6 के बाद, तो 6.666. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे. जब हम इस वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस x मतलब 9x, 6.66 में से माइनस करेंगे 0.666 को, तो नंबर क्या आएगा, अब देखते हैं. यहां पे जब हमने सेकंड इक्वेशन को माइनस, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करा सेकंड इक्वेशन से, तो हमें क्या मिला, यहां पे 9x, 6.66 में से माइनस करेंगे 0.66 को, तो कैसे माइनस करते हैं, 6.66 एंड सो ऑन, डॉट के नीचे मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, इसके बाद क्या है, डेसिमल के बाद 666 आता जा रहा है और यहां पे क्या है, 0. ऐसे ही 6 में से 6 माइनस 0, 6 में से 6 माइनस 0, 6 में से 0 माइनस 6, तो हमारे पास क्या बचा, 6.00. अब 6.00 आफ्टर डेसिमल 0 आ जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको लिख सकते हैं 6. तो ये क्या आ गया, 6, और इधर क्या था यहां पे, 9x. x को यहीं पे रखेंगे, 9 शिफ्ट हो जाएगा इसके पास, यहां पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर विल बी 2/3. ओके, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, 0.47 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि दिस नंबर भी x. ओके, तो 7 के ऊपर बार है तो यहां पे 7 ही रिपीट हो रहा है. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो कहां पे आ जाएगा, 4 के बाद. ओके, तो ये आ गया. सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 9x, 4.77 में से माइनस करेंगे 0.47 को, तो क्या आएगा, 4.3000. ओके, डेसिमल के बाद ये जो डिजिट आ रही है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. ओके, यहां पे तो यहां पे क्या आ गया, 9x इज इक्वल्स टू दिस, 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. ओके, मैंने यहां पे क्या किया है, इसको डिनो, यहां पे डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल हटाया है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं डिनोमिनेटर में उतने 0 आ जाते हैं. अब डेसिमल यहां पे एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. बस अब ये आ गया आंसर, मतलब 0.47 बार को हम p / q की फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हिच इज 43/90. ओके, थर्ड पार्ट है 0.001, और बार कितने ऊपर है, कितने डिजिट के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है. तो इसको सबसे पहले मानेंगे कि x को हम मान लेते हैं, ये जो हमें नंबर गिवन है, जैसे 0.001, अब रिपीट कौन से होंगे जिनके ऊपर बार होता है, तो 001, ऐसे आगे 001. ओके, अब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो क्या आएगा यहां पे, 1.001, ऐसे यहां पे 001. अब सेकंड में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, 1000 में से 1 जाएगा तो 999x, 1.001 में से माइनस करेंगे इसको तो आंसर विल बी 1.00. ठीक है, अब ये 999x के साथ यहां पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 991 इज द रिक्वायर्ड आंसर, व्हिच इज P / Q form. Okay, that's it. Thank you guys.